दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका पशु केयर में। दोस्तों साधारण सी बात है, अगर कोई पशुपालक भाई कई सालों से डेयरी फार्मिंग का काम कर रहा है तो उसे कई ऐसे घरेलू नुस्खों का पता होता है जिससे कि उनके पशुओं को बहुत फ़ायदा होता है, और ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। तो ऐसे ही ये गुरजीत भाई जो कि ठोल से हैं, जिला कुरुक्षेत्र से हैं, इन्होंने बताया एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला, और ये बहुत ही सस्ता फार्मूला है अगर जिसे हम अपने पशुओं को गर्मियों के दिनों में देंगे तो इससे पशु का दूध भी बढ़ता है और साथ ही साथ पशुओं को गर्मी भी नहीं लगती। तो दोस्तों आइए जानते हैं गुरजीत भाई से कि ये गर्मियों में अपने पशुओं को क्या खिलाते हैं जिससे कि इनके पशुओं का दूध बढ़ता है। और दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप सभी भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों आप भी अपने जो अगर आपको कोई घरेलू नुस्खे का ज्ञान है और वो इफ़ेक्टिव है उसे आप कमेंट में शेयर किया कीजिए ताकि किसी और पशुपालक भाई का भी फ़ायदा हो सके। तो गुरजीत भाई स्वागत है आपका। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम और नमस्कार। तो गुरजीत भाई कितना टाइम हो गया आपको ये पशुपालन के काम में? मेरे को पशु, वैसे तो मेरे दादाजी काफ़ी साल से पशु रख रहे हैं, मेरे को पशुओं इसे डेयरी फार्मिंग में चार पाँच साल हुए हैं। तो गुरजीत भाई गर्मियों के दिनों में अगर पशु का दूध घटता है तो उसके लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं जिससे कि पशु का दूध कम ना हो? आपके पशु का दूध कम होता है गर्मियों में? नहीं, मेरे पशुओं का दूध कम नहीं होता, क्यों मैं इनको मान ले दिन में 3-4 बार नहलाता हूँ, और इनको जैसे मैं किसान भाई से निवेदन करूँगा जिनके पशुओं का दूध काफ़ी कम होता है वो इसका एक बहुत ही मान ले सरल घरेलू नुस्खा है जो मैं सभी पशुपालक भाइयों से शेयर करना चाहूँगा। इसमें हम जैसे कि 100 ग्राम गुड़ और 1 लीटर अपना ताज़ा पानी और 30-35 ग्राम मान ले ये नमक डाल के उसको अच्छे से घोल लें और अपने पशु को सुबह शाम पिलाएं। इससे आपके पशु की दूध की मात्रा जो वो बढ़ेगी, जैसे गर्मी में स्ट्रेस में आ जाता है तो पशु मान ले काफ़ी हद तक वो दूध कम कर देता है जिससे हम किसान भाइयों को काफ़ी भारी नुकसान देखना पड़ता है। जैसे कि मैंने ये अपने पशुओं पे सेट डाला हुआ है, ये 12-13 फुट ऊंचाई पे है, ये मैंने सीमेंट की चादर डाली हुई है इसके ऊपर जिससे कि मान ले ये हिट नहीं करता। तो जैसे कई पशुपालक भाई ये टीन की चादर या ये फाइबर की चादर डाल लेते हैं तो उससे काफ़ी गर्मी लगती है पशुओं को, जिसकी वजह से वो दूध की में कमी आती है और उसका नुकसान किसान भाई को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे गर्मियों के दिनों में खास तौर से, और दोस्तों अपने पशुओं को जो ये गुरजीत भाई ने ये फार्मूला बताया ये देंगे तो दोस्तों इससे दूध बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि इन्होंने बताया कि गुड़ देना है, गुड़ कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और जो हम नमक दे रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें, वो पशुओं में गर्मियों के दिनों में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस नहीं होने देगा, इससे पशु अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा दूध देंगे। और साथ दोस्तों और तीसरी चीज़ है ताज़ा पानी जो कि आपको देना है। और दोस्तों इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि आपने इस गुड़ को और नमक को पकाना नहीं है, क्योंकि पकाने के बाद इसका आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरजीत भाई, नमस्कार।